And now I would hereby request Dr. Ajay Dubey to please come up. बेचारी मर रही किसी वृद्धा के लिए कोई महिला बहुत परेशान हो रही है, ऐसा मुझे फोन आया। मैं हमेशा की तरह दौड़ा हुआ वहां पे गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं HFF को नहीं जानता था, बट HFF की एक बहुत ही अच्छी महिला, मैं वास्तव में आज गर्वित गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे समाज में इतने प्यारे अपकमिंग ये यूथ हैं, HFF आगे आए। इस वजह से मेरा वो 10वां वृद्धालय था जिसमें मैं जाना शुरू हो गया। उसी वृद्धालय में एक और महिला, क्या नाम था उनका, जेबुनिसा मैडम, उनको बहुत भयंकर वाला पैरालिटिक अटैक आया, उनका भी ट्रीटमेंट कराना भारी पड़ रहा था। हमने 9 दिन उनको एडमिट कराया। अपने इस बड़े कार्यक्रम में एक छोटा कोई काम दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, साहब आपने हमें बुलाया यहाँ पे। एंड मैं कॉजेज के बारे में सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि यू डूइंग अ फैबुलस एंड फैंटास्टिक जॉब। आई विश आज तो आपका 6th HFF फेस्टिवल है, मैं दुआ करूँ। दिस इज अ ब्यूटिफुल बिगिनिंग सर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. I would hereby request Dr. Dhanalakshmi to please come up on the dais. And also, which is meant for a cause, they have always worked for a cause, and being a part of this cause is really a great opportunity for all of us. हम यही डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से आई हैव एलिंग मदर, तो मेरे घर में एक माँ है जो हमेशा बीमार रहती है। एंड इट्स अमेजिंग, इसी वक्त मैंने सुना कि अगर HFF के थ्रू आप जाएंगे तो दवाइयाँ जो 4,000 की हैं वो 500 में भी मिल सकती हैं। और जब मैं हॉस्पिटल में खड़ी थी और मैं दवाइयाँ ले रही थी तो मैंने ऊपर वाले से दुआ किया था, मेरा
ठीक है मेरे पास पैसे हैं, ऊपर वाले का दिया कुछ है तो मैं दवाइयाँ खरीद पाती हूँ, लेकिन अगर आप बीमारी दे रहे हो तो पैसे भी लिया करूँ। अब मैं दुआ करूँगी कि आप बीमारी आपने दे दी है तो एचएसएस के थ्रू हमको दवाइयाँ भी दे दो। तो थैंक यू सो मच। आई नो नाउ मेरे थ्रू तो ये वर्ड जरूर भाग जाएगा। थैंक यू। हम काम करते रहे तो थैंक्स टू कैप्टन सुनील शर्मा के बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। Mr. Pradeep Lal Chandani, please on stage. Indian television industry, please. Can we have Nimrata Basu ma'am on stage, please? For the next award. Thank you. Also, we would like to call upon Smiley Suri on stage, please. The actress, Smiley Suri. Can we have a big round of applause, please, friends? A very beautiful, सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। She has been a model for the world Asia. She has been a Miss Tourism World India. She is also the brand ambassador for Mera Shahar Swachh, Mera Bharat Swachh. Again, she has won more than 5 beauty. So much. एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए हो जाए, ladies and gentlemen. Well, दूर नहीं जो दिल में रहा करते हैं, दूर नहीं जो दिल में रहा करते हैं और सदा खुश रहें आप, बस यही हम तहे दिल से दुआ करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्रणाम। मैं हूं शो की होस्ट और आपकी प्यारी दोस्त डॉक्टर। वुड रिक्वेस्ट ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ऑन द डाइस टू प्लीज स्टेप डाउन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। Shri Ram, 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 Shri Ram,
हमेशा अच्छा ही पल है और अच्छा आगे है और जैसे मैंने जफरबाद से कहा था रंगीला फेस्टिवल वो मनाएंगे मेरे द्वारा ही ओके मैम कुछ बच्चों ने भी परफॉर्मेंस किए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे मैं कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू आपने हमें एंटरटेन नहीं किया बिल्कुल नहीं ये वो मामला नहीं है जहाँ पॉइंट्स के लिए बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस बहुत बहुत धन्यवाद ओके मैम थैंक यू गुड नाइट ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का फेस्टिवल है सिक्स्थ फेस्टिवल है ये हर साल हम लोग करते हैं हम लोग ये फेस्टिवल इसीलिए करते हैं कि उस फेस्टिवल का एक मकसद होता है जैसे इस फेस्टिवल का हमारा मकसद है कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करें इस फेस्टिवल के थ्रू काफ़ी लोग हैं जो डिसेबल्ड होने के बावजूद उन लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक दिखाना कि डिसेबल्ड होना मतलब वो कमज़ोरी नहीं है वो ताकत है आदमी अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो डिसेबिलिटी उसके लिए कुछ भी नहीं है तो ये सारी चीज़ों को सब्जेक्ट बना के हमने इस फेस्टिवल में हमने लोगों तक पहुंचाया है और जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बेस्ट किया है हमने उन लोगों को भी यहाँ पे बुला के हम लोग ने फेलिसिटेट किया है HFF का विज़न हमेशा रहा है कि हम लोगों को एम्पावर करें मतलब कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि बोले कि मैं ये नहीं कर सकता या किसी पावरफुल फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हो कोई केस लेके कुछ भी लेके कि आप NGO हो हमारी मदद करो क्यों आते हो आपको लगता है कि भाई मेरे पास NGO है मेरे पास उसका डेजिग्नेशन है तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा ये चीज़ मैं आपको दे देता हूँ आप मेरे NGO में ज्वाइन हो जाइए मैं आपको डेजिग्नेशन देता हूँ आपको नॉलेज दे देंगे आपको एक टीम दे देंगे संभालने के लिए आप वो खुद कर पाओगे यही HFF का विजन है टू एम्पावर कॉमन मैन मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा HFF फेस्टिवल सारे कम्युनिटी को बिकॉज आई एम ऑनर्ड टू बी हियर टुडे एंड आई फील रियली ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्विटेशन एंड फॉर दिस ब्यूटिफुल अवार्ड नगमा कुछ कहना चाहेंगे उन्होंने हमें बुलाया ऑनर किया हम बहुत खुश हैं लिटरली हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि HFF जो है वो पिछले 5 साल से दे आर डूइंग गुड जॉब फॉर दी सोसाइटी डिसेबल पीपल बच्चे सो अच्छा लग रहा है और खुशी हो रही है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इवेंट फ्रॉम HFF फेस्टिवल थैंक यू एंड गुड लक HFF आज यहाँ पे हम लोग ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन ले लो साथ में ले लो जी ये फेस्टिवल इसलिए नाम दिया गया है कि ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन ये HFF जो है वो हर साल एक ये फेस्टिवल करता है जिसके अंदर हम लोग ह्यूमन राइट सेमिनार करते हैं साइबर क्राइम के लिए रखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का जो सेल्फ डिफेंस होता है उसके लिए हम लोग सेमिनार्स करते हैं इस मरतबा हमने डिसेबल पीपल के लिए किया था आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जितने भी डिसेबल बच्चे लोग थे उन लोगों का एक सेमिनार किया जिसके अंदर उन लोगों ने ड्राइंग और ये सब किया उसके बाद में ये जो अवार्ड होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के जो अवार्ड होते हैं जैसा कि एक्सेलेंस अवार्ड है HFF अवार्ड ब्रेवी अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज के लोगों को लेकर हम लोग उनको ये अवार्ड देते हैं तो आज इसी का लिए हम लोग यहाँ पे आज जमा हुए और आप लोग भी आए आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह हमको साथ और सपोर्ट देते रहिए थैंक यू सो मच जी जी हाँ ये हम लोग अलग अलग कैटेगरी से सबको अवार्ड देते हैं इसमें हर साल हम लोग लास्ट ईयर हमने रेमो फर्नांडिस को दिया था धर्मेश को दिया है जीत सिंह को दिया है तो इस मरतबा हमने गीता जी को अप्रोच किया और उनको एक्सेलेंस अवार्ड दिया कि उनके जो काम किया है उसके लिए हम लोग एक्सेलेंस अवार्ड उनको दिया जाता है जी थैंक यू यहाँ पे हम लोग आज ये बाकायदा लॉन्च आज ऑफिशियली हो गया है ठीक है इसके बाकी के डिटेल्स जो है हम लोग आगे शेयर करेंगे आप लोग भी इसको ट्राई करना प्रमोट करने के लिए और एक सर एक अच्छी चीज उन्होंने ये की है कि सर्टेन छोटा सा एक अमाउंट जो है डिसाइड किया जो HFF को डोनेट करेंगे सोशल वर्क के लिए तो दैट्स ग्रेट ऑफ द एंटायर टीम सर प्लीज हां जी Congratulations. Thank you.
All the best, congratulations, and many, 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 many more cabs and not only a baby, but also everything. God bless you. Have a big round of applause. भैया ऐसे करके गाना का आपको मिल जाएगा आपको, है ना? निर्माण की तरफ की ठीक है सर. हाँ सर सर सॉरी मैं हेलो सर ये फंक्शन में आपको फंक्शन कैसा लगा सर बारे में नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई थैंक यू वेरी मच कि मुझे इनवाइट किया मुझे मौका मिला कि एक अच्छा फंक्शन इवेंट सोशल कॉज के लिए भी है एंटरटेनमेंट के लिए भी है उसमें आने का मौका मिला व्हाट आई कैन से माय बेस्ट विशेस बिकॉज यू नो यहाँ पे जो थोड़े डिसेबल बच्चे हैं उन्होंने भी जो परफॉर्म किया उनको भी जो आप लोगों ने सराहा है उनको भी आप लोगों ने रिकग्नाइज किया है HFF की टीम ने थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आई मीन से द होल नेशन द होल इंडिया आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू कीप डूइंग दिस गुड वर्क ऑल द वेरी बेस्ट हाय आई एम विशाल कपूर फैशन डिजाइनर एंड डायरेक्टर ऑफ पैलेस रनवे HFF अवार्ड्स ये जो हर साल होता है हर साल ये लोग इतना आगे बढ़कर काम करते हैं कॉज के लिए चैरिटी के लिए और इस बार इनका ये 6th एनुअल अवार्ड है मेरी बेस्ट विशेस है ये सारे टीम्स के साथ कि ये लोग और उन्नति करें और सोशली जितनी अवेयरनेस फैला पाएँ उतना अच्छा है क्योंकि काफ़ी लोग इनके साथ एसोसिएट हो रहे हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स एसोसिएट हो रहे हैं जाफ़र जी जाफ़र भाई पीरजादा नावेद शेख जी हेमंत मकवाना जी को सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच Thank you Humanity First for giving me this wonderful opportunity to receive this award and I'm really thank you for Zafar ji to give me this award and I feel really proud to be associated with this foundation Humanity First inka naam hi itna sundar hai ki manavta ko inhone pratham mein rakha hua hai to isse badi baat to kuch ho hi nahi sakti hai to bas main dhanyawad dena chahta hu inhe aur chahta hu ki ye hamesha isi tarah phale phule aur logo ko appreciate kare aur unka naam roshan kare थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर मैंने देखा कि काफ़ी डिसेबल बच्चे हैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल कर इन बच्चों के लिए और जैसे भी डिसेबल लोग हैं उनकी हेल्प करें मदद करें जैसे कि HFF फाउंडेशन कर रहा है और बहुत बहुत शुभकामनाएँ मेरी सारी टीम को और थैंक यू सो मच जाफ़र जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और एक बहुत ही अच्छे अवार्ड से नवाजा और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं HFF का हिस्सा हूं तो थैंक यू सो मच हाँ मैसेज मेरा यही है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके अंदर भी बहुत टैलेंट है और वो भी खुशियों के हकदार हैं हर एक चीज़ करने के हकदार हैं तो अगर हम लोग मिलके थोड़े थोड़ी सपोर्ट करेंगे उनको कुछ जो वो करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करें उनकी हेल्प करें जिस तरीके से हो सके तो सभी से मेरी यही गुजारिश है कि सब उनके लिए हेल्प करें किसी भी तरीके से जिस तरीके से हो सके जस्ट
just a small message for HFF. Okay, so first of all, I would really like to congratulate the HFF Festival, Mr. Zafar Pirazda, and entire team of HFF for making this event a grand event. Actually, it's so good to see that they have brought up all the disabled children. Sare jo bachche yahan pe walk kar rahe, dance kar rahe. Some cannot walk, some are mentally challenged. So, unko ek manch unhone diya hai. Mujhe nahi lagta isse koi badi baat ho sakti hai. Because we get platform everywhere, but these children, they don't. So, unke liye platform dena, unko ye platform dena, I think that is the biggest achievement. And I really thank everyone for honoring me. And best wishes to HFF Festival for their next activities and next event. Thank you so much. First of all, I'm very grateful कि HFF Humanity First Foundation ने मुझे अपने 6th festival पे बुलाया. मैंने 5th भी attend किया था और 6th इसलिए special है क्योंकि मेरा show नज़र अब काफ़ी popular हो चुका है, लोगों ने मुझे accept किया है और मैं पूरा totally support करना चाहता हूँ Humanity First Foundation को, जिन्होंने जो इतना अच्छा social work करते हैं, human rights के लिए काम करते हैं. मैं आज मुझे उन्होंने मुझे एज एन एम्बेसडर अपॉइंट किया है HFF का, तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑनर्ड. बस इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द है नहीं. आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू द होल HFF टीम एंड आई वांट टू विश HFF टीम ग्रेट सक्सेस एंड मे मेनी मोर इयर्स टू कम एंड आई विल कीप कमिंग टू देयर फेस्टिवल अगेन एंड अगेन. थैंक यू. बहुत जी दिव्यांग बच्चों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई. उन्होंने स्पेशली एक जो फैशन शो था जिसमें सारे बच्चे चलकर आए, इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर मी क्योंकि कहीं ना कहीं इन बच्चों को बहुत ही कम अटेंशन मिलता है. इन बच्चों को कहीं ना कहीं एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स रह जाता है उनमें कि हम अलग है, हम नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है. बट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, इन बच्चों को उतना ही प्यार दें जितना हम एक नॉर्मल बच्चों को देते, इनफैक्ट इन बच्चों को ज़्यादा प्यार दें. तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे दिव्यांग बच्चों से मिलकर एंड आई वुड लाइक टू थैंक अगेन HFF फाउंडेशन कि उन्होंने इतना अच्छा शो प्रेजेंट किया और इतने अच्छे शो को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया. जी जी आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ये लोग जो मैं जो भी हूँ आज वे इनकी वजह से ही हूँ. इनके प्यार के बिना शायद ना तो शो चल पाता ना मैं चल पाता. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार देखते हैं. द होल स्टार कास्ट इज़ ब्रिलियंट. हम लोग एक फैमिली है, नज़र इज़ अ बिग फैमिली. या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा एक्टर है या कोई छोटा एक्टर है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है. हम सब साथ में खाना खाते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं. सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद मोनालिजा, रितु मैम, एवरीबडी ऑन द शो. तो मैं सूट कैरी कर रहा हूँ, दैट्स इट, एक शर्ट एंड आई एम वेयरिंग दिस सस्पेंडर्स जो थोड़े मुझे स्टाइलिश लगते हैं क्योंकि बेस्ट पार्ट ये होता है कि बेल्ट नहीं पहनना पड़ता जब आप सस्पेंडर्स पहनते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ गुड कि बेल्ट से थोड़ा आराम मिलता है. मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से HFF ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन लोगों की मदद करती है, लोगों की सेवा करती है, लोगों को आगे ग्राउंड रूट से उनकी जो हेल्प कर रही है, आप सब हम सब मिलकर इस सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाए. आप सब और हम सब मिलकर हाथ में हाथ पकड़कर एक दूसरे का आगे बढ़े. एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ कीप वॉचिंग नज़र 11 PM मंडे टू फ्राइडे. Hi, Ram Ram, Salam, Sasikal. This is your Raj Sagu. I am a comedian, singer and performer. Mera abhi gaane bhi release hone ja rahe hain, bahut acche level pe. Then aap itna pyar dete ho aur
आज मैं ये जिस फंक्शन में आया हूँ उसका नाम है HFF. सो आई एम प्राउड ऑफ कि हमारे जो फाउंडेशन जो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने जो इसको आगे तक लाया, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ. तो हर साल मैं इनके साथ ही जुड़ा रहूँगा. आई एम सो हैप्पी. और सभी बच्चों को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू. उनको परमात्मा दिमाग दे और उनके घर वालों को और बेस्ट विशेष दे. परमात्मा उनको उनके साथ रहे. सो बच्चों को मेरी तरफ से ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच. And I totally loved it because I found ये humanity first foundation है. and ये नाम ही इतना अच्छा suggest करता है, humanity first foundation. जैसा कि मैंने अंदर भी कहा, मानवता पहले. तो जो लोग मानवता के लिए काम करते हैं वो बड़े ही उच्च कोटि के लोग होते हैं. एंड मुझे भी अवार्ड मिला. हम सिर्फ टीवी सीरियल्स में एक्टिंग करते हैं और हीरो बनकर लोगों के सामने आते हैं, बट एक्चुअल हीरो यहाँ पर आ रहे थे आज और उन लोगों को अवार्ड मिल रहा था. ये देखकर बहुत अच्छा लगा. तो हैट्स ऑफ टू दीज पीपल जो ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं. मैं खुद एक सोशल NGO से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है YGPT, यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो मुझे पता है कि जब जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनको कितनी हार्डशिप देखनी पड़ती है, कितनी मुश्किलें आती हैं उनकी लाइफ में. सोशल वर्क्स अगर दिल से, सोशल वर्कर अगर दिल से काम करें तो उनको कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जब बहुत सारे लोग अच्छे काम के लिए जुड़ते हैं तो उनको अपने आप साथ मिलने लगता है लोगों का. लोग उनके पास पहुंचते हैं, उनको हेल्प मिलता है समाज का. तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप उसी लगन से सोशल वर्क करते रहिए, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ लोगों का साथ अपने आप मिल जाता है. मैं एक्चुअली लोगों को जानता नहीं हूँ. आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, पर जैसा कि मैंने अंदर कहा, मैं जब अंदर एंटर किया तो मैंने देखा स्पेशल किड्स जो हैं, स्पेशल प्रिविलेज बच्चे जो थे, वो रैंप वॉक कर रहे थे, फैशन शो कर रहे थे और वो इतने खुश थे, उनके चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल थी. तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्पेशल बच्चों को चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल ला सकता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर.